हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एक टेबल हमने बनाई है, टेबल वन, ठीक है। और हमारे एक व्यूअर हैं जिनका सवाल है कि सर ये मास्टर टेबल होती क्या है, ठीक है। और ये सवाल किया है, रेखा नाम है इनका, और इन्होंने ये सवाल किया है। देखिए, जो टेबल हम पहले बनाते हैं उसे हम मास्टर टेबल कहते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप देखिए, जैसे ये टेबल वन बनाया हमने और ये हमारी मेन टेबल हो गई, मास्टर टेबल हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नेम है, डेट है, प्राइस है, यूनिट है, और ये टोटल है। टोटल अगर आप 2016 या अपर वर्जन यूज करेंगी तो यहाँ पर आप टोटल कर पाएंगी। बाकी ये टेबल टू है, ये हमारी मास्टर टेबल नहीं है। ये मास्टर टेबल के बाद एक और टेबल जो हमने बनाई वो वाली टेबल है, जिसे हमने टेबल टू ही नाम दे दिया है। इसमें कस्टमर की आईडी है, कस्टमर नेम है, एड्रेस है और पिन है, ठीक है। आते हैं टेबल वन पे। दोनों में एक फील्ड हमें कॉमन करनी है क्योंकि हमें रिलेशनशिप क्रिएट कराना है। तो अभी देखिए, टेबल वन है, ऑर्डर आईडी इसमें दिख रही है, यहां पर कस्टमर आईडी है। तो कस्टमर आईडी क्यों ना इसमें इंक्लूड कर दी जाए। तो यहाँ डिजाइन व्यू पेज से लेके और यहां से हम क्या करेंगे, एक रो को इंसर्ट करा लेंगे। ये इंसर्ट करा लिया हमने। और क्वेरी अगर आप बना लेती हैं तो क्वेरी बनाने के बाद आप ये काम नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर कस्टमर आईडी कर देता हूं, कस्टमर आईडी, ठीक है। और ये कस्टमर आईडी जो है नंबर डेटा टाइप रखेंगे क्योंकि वहां पे हमने ऑटो नंबर रखा है। और ये इस तरीके से अब यहां पे देख सकते हैं कस्टमर आईडी 101 है, तो यहां पर भी हमें 101 ही रखना होगा।